कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोरोना के मामले में यही हो रहा है। कोरोना के नए मामलों का आना अभी थमा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन हटते ही लोग सैर सपाटा करने दौड़ पड़े हैं। हिल स्टेशनों पर एक हफ्ते के भीतर पर्यटकों की जैसे बाढ़ आ गई हो, लाखों की तादाद में लोग पहाड़ों पर उमड़ पड़े हैं। शिमला, नैनीताल, मनाली, मसूरी, तमाम हिल स्टेशन पर पर्यटक ठसा ठस भर गए हैं, और ये सब देखकर डर ये लगने लगा है कि कोरोना पलटी ना मार जाए। और इस वक्त जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 6 हिल स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, शिमला हो, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, सोलन या फिर मसूरी, हर जगह लगभग आपको एक सी तस्वीर नजर आएगी, और वो ये कि एकदम से यहाँ पर लोग जो है वो भर गए हैं, भीड़ है, यहाँ तक कि चलने में भी लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। इसमें से कई पर्यटक आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। कोरोना के केस घटे, हिल स्टेशन पर हुजूम बढ़ा, महामारी का भय खत्म, सैर सपाटे की सीरीज शुरू। पहले कोरोना से पस, अब सैर सपाटे में मस्त। शिमला, मनाली, नैनीताल, पर्यटकों का धमाल। लॉकडाउन की पाबंदी हटी, पहाड़ों पर भीड़ जुटी। चलो बुलावा आया है, हिल स्टेशन ने बुलाया है। जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, जैसे किसी भूखे को भोजन मिल जाए, जैसे किसी बांध में जकड़े पानी को रास्ता मिल जाए, जैसे सीकचों में बने किसी जान को आजादी मिल जाए, कुछ ऐसा ही एहसास इन दिनों हिल स्टेशनों पर हो रहा है। लॉकडाउन की पाबंदी खत्म होते ही हिल स्टेशनों पर आने की होड़ लग गई है। सैलानियों से सारे हिल स्टेशन ठसा ठस भर गए हैं। शिमला के मॉल रोड का हाल देखिए, तिल भर जगह नहीं, बाजार गुलजार, दुकानें आबाद, होटल फुल, हर तरफ सैलानी ही सैलानी। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही इस देश का कोरोना की सुनामी से सामना हो चुका है। कौन कहेगा कि अप्रैल मई में कोरोना से त्राही त्राही हो चुकी है। इस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये रिज मैदान के नाम से मशहूर है और ये शिमला का दिल कहा जाता है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, शिमला का रिज मैदान पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही यानी 1 जुलाई से हिमाचल सरकार ने जो बंदिशें पर्यटकों पर लगाई थी वो हटा दी। जैसे ही बंदिशें हटी, पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ पड़े। सैर सपाटे के जुनून में ये भीड़ जान की फिक्र भूल चुकी है। कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग की बंदिश हवा हो चुकी है। इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल नैनीताल की ये तस्वीरें देखिए। नैनी झील में आपको पानी कम, इंसानों के सिर ज्यादा दिखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नौकायन की रेस हो रही है, और मॉल रोड तो ऐसा दिख रहा है जैसे दिल्ली का कोई हफ्ता बाजार। किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनकी ये मस्ती देश भर पर भारी पड़ सकती है। कोई चिंता नहीं कि 2 मीटर की दूरी को दरकिनार कर वो कोरोना को वापसी का न्योता दे रहे हैं। अब मनाली का हाल देखिए, मौज हो रहा है, धमा चौकड़ी हो रही है, कोरोना का खौफ काफूर हो चुका है। बिना मास्क वाले कई चेहरों के यहाँ दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी डिक्शनरी से डर को डिलीट कर दिया है।
हिमाचल के एक और हिल स्टेशन सोलन का हाल देखिए। यहाँ सड़कों पर आपको कारों की कतार दिखेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के लोग लॉकडाउन हटते ही इधर कूच कर चुके हैं। ये सच है कि लॉकडाउन ने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना की तीसरी लहर इंतजार में है कि कब सावधानी हटे और उसे हमला करने का मौका मिल जाए। ये तस्वीरें कोरोना को सीधे सीधे बुलावा है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, नैनीताल से लीला सिंह विष्ट के साथ मंजीत सहगल, शिमला आज तक। हिल स्टेशन पर सैलानियों के आते ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने लगी है। ना मास्क का ख्याल रखा जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र की जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद दिनों में ही ये भुला दिया है कि कोरोना को लेकर कितनी त्राही त्राही हो चुकी है। पाबंदी हटते ही सैलानियों की ये जमात सीधे हिल स्टेशन कूच कर गए और मस्ती में ऐसे डूबे कि कोरोना के कहर को ही लेकिन मुंह से मास्क गायब है जनाब। सैर सपाटे के चक्कर में वायरस के संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। इस हसीन वादी में आपको कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले कई गुनहगार मिल जाएंगे। इस परिवार को देखिए, संपन्न दिख रहे हैं, लेकिन समझदारी का संकट यहाँ भी है। मास्क लगाने की इन्हें जरूरत नहीं दिख रही। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसी जगह पे आए आपने मास्क यूज नहीं किया है? नहीं किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है जस्ट मैंने, जस्ट राइट नाउ, क्योंकि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। वैसे लगता है कि मास्क पहनना चाहिए? हाँ बिल्कुल 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 पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी, तो सबसे जरूरी है। और इस भरे पूरे परिवार को भी देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा। एक और परिवार को देखिए, इन्होंने भी अपने मास्क पर मिट्टी डाल दिया है। और इस तीसरे परिवार से मिलिए जो खुद तो हिल स्टेशन आ गए लेकिन मास्क घर पर छोड़ा है। ये यूं घूम फिर रहे हैं जैसे कोरोना ने इस देश से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। और इन भाई साहब की सुनिए, दिल्ली से चिल करने आए हैं लेकिन मास्क की चिंता नहीं है। एंजॉय करने आए। आप कितने लोग यहाँ पे हैं? हम तीन ही हैं। तीन ही लोग आए हैं। अब तीन लोग यहाँ हैं, आप तीनों ने मास्क नहीं पहना, क्या है? वो फोटो खींच रहे थे इसलिए नहीं पहना था, बस पहनी लगा ही रहे, फोटो खींच के फिर लगा ही रहे मास्क। आपको लगता है कि जरूरी है लगाना? बिल्कुल जरूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। मनाली के मॉल रोड की इस भीड़ में आपको बिना मास्क के कई चेहरे मिल जाएंगे। पुलिस को इन्हें समझाने के लिए मुनादी करनी पड़ रही है। शिमला के मॉल रोड पर जमी इस भीड़ में भी बिना मास्क वाले मुजरिम आपको धड़ल्ले से मिल जाएंगे, लेकिन असली सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का है। जरा देखिए कैसे इंसान से इंसान टकरा रहे हैं, कैसे सैलानियों का सैलाब उमड़ आया है। एक्सपर्ट कहते हैं घर से मत निकलो, तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है। कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आ बैल मुझे मार वाली हालत है। उस दौर में जब स्कूल कॉलेज बंद हैं, जब शादी ब्याह पर सीमित संख्या की शर्तें हैं, जब अंतिम संस्कार पर भी नियम कायदे लागू हैं, तो क्या पर्यटन के नाम पर इस भीड़ की इजाजत सही है? मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, नैनीताल से लीला सिंह विष्ट के साथ मंजीत सहगल, शिमला आज तक। लॉकडाउन हटते ही हिल स्टेशन पर सैलानियों का डेरा जमने लगा है। एक हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं।
पर्यटकों की ये भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहाड़ों की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जाम होने लगे हैं। होटलों में कमरे नहीं, रेस्टोरेंट में खाली टेबल नहीं, बाजारों की हालत आपके सामने है। जी, पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम हुई हैं, मनाली में टूरिस्ट का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, तो लोगों से जो एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करवाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो बढ़ाया गया है, जगह जगह पुलिस के तैनाती किए गए। सेक्टर के लिए ये संजीवनी मिलने जैसा है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सामान्य दिनों में हिमाचल प्रदेश में 1,30,000 से 35,00,000 के करीब पर्यटक आते हैं। पिछले साल कोरोना के चलते सिर्फ 32,00,000 पर्यटक हिमाचल आए। इस साल 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में 13,00,000 टूरिस्ट आए, लेकिन जून में लॉकडाउन हटते ही अब तक 6 से 7,00,000 टूरिस्ट आ चुके हैं। और इस साल में जो अभी इस महीने में इट इज मोर देन अबाउट 8,00,000 होता है, बट आई वाज बीइंग कंजर्वेटिव क्योंकि उसने शाम तक किया है, तो दिनों में फिगर व्हिच इज वेरी मच रियलिस्टिक। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, हिमालय क्षेत्र में आने वाले इन दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है पर्यटन। कोरोना से यहां का पर्यटन कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन अब उम्मीद जगी है, पर्यटन सेक्टर की सांसें लौटी है। लेकिन सवाल है कि अगर कोरोना भी लौट आया तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो।